नमस्कार फ्रेंड्स, सबको ऑल जी टी एस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है कृष्णा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आप लोगों को 76.5 डिग्री स्टार 7 सैटेलाइट टक्कर के देखने वाला हूँ। इस सैटेलाइट पे आप लोगों को बहुत सारा फ्यूचर चैनल देखने को मिल जाएगा HD और SD क्वालिटी पे। यहाँ पे कुछ ऐसा चैनल है जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्रिकेट और फुटबॉल मैच देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, मेरा ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, चले चलते टीवी के पास और कर लेते हैं सेट टॉप बॉक्स का पूरा सेटिंग। आपका सेट टॉप बॉक्स में एंटर द सेटिंग में जाओ, वहाँ पे सैटेलाइट को चूज कर लीजिए। LNB पावर को ऑन रख दीजिए। LNB फ्रिक्वेंसी 5150 रख दीजिए। 22K को आप रख दीजिए। अगर आप लोग डिस्क्रिप स्विच यूज़ करते हो तो जिस पोर्ट में सैटेलाइट ट्रैक करना चाहते हो वो पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए। TP कर दीजिए 3816 वर्टिकल 3332। तो फ्रेंड, चलो चलते अभी डिस्क के पास और कर लेते हैं पूरा सेटिंग। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये सॉलिड कंपनी का 6 फीट सी बैंड डिश है। तो यहाँ पे LNB को इसको करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे। आप लोग आपका डिश के सामने खड़ा हो जाइए और LNB इसको को ऐसे ही रख दीजिए। जैसे मैंने लगा के रखा है LNB को ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे जो मार्क रहेगा 36 से 38 के बीच, ठीक है फ्रेंड। तो तब आप लोग सैटेलाइट को ट्रैक करने का कोशिश करिए, आसानी से ट्रैक हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलो अभी चलते हैं डिस्क के पीछे और डिस्क के पीछे खड़ा होकर सैटेलाइट को ट्रैक करने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ अभी 91 डिग्री ईस्ट मिसेट सैटेलाइट पे सेट है। तो मैं इसको यहाँ से 76 डिग्री ईस्ट एफ्टर 7 सैटेलाइट पे ट्रैक करने का कोशिश करता हूँ। इसके लिए डिस्क को राइट साइड पे घुमाना पड़ेगा और डिस्क को अप डाउन करना पड़ेगा। जहाँ पे इसका सिग्नल आ जाता है वहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। या आपका डिस्क पहले से आदर्श कोई सैटेलाइट पे सेट है, यानी कि 83 डिग्री ईस्ट इनसेट 4 है, 91 मिसेट, 93 डिग्री ईस्ट या 105 डिग्री ईस्ट SSH 7 सैटेलाइट पे सेट है, तो तब आपका डिस्क राइट साइड पे घुमाना पड़ेगा और डिस्क को अप डाउन करना पड़ेगा। जहाँ पे इसका सिग्नल आ जाता है वहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। या आपका डिस्क 76 डिग्री ईस्ट एफ्टर 7 सैटेलाइट से कम है, यानी कि 66 डिग्री ईस्ट इंटेल सेट 17, 68 डिग्री ईस्ट इंटेल सेट 20 या 42-38 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट पे सेट है, तब आपका डिस्क लेफ्ट साइड पे घुमाना पड़ेगा और डिस्क को अप डाउन करना पड़ेगा। जहाँ पे इसका सिग्नल आ जाता है, यानी कि जो TP मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर उस TP पे सिग्नल आ जाता है तो ये सैटेलाइट आसानी से ट्रैक हो गया, लोग समझ लीजिए। तो फ्रेंड, मेरा डिस्क मिसेट पे सेट था 91 डिग्री ईस्ट पे, तो इसलिए मैंने डिस्क को राइट साइड पे घुमा दिया और डिस्क को अप डाउन किया, तो इस सैटेलाइट अभी आसानी से ट्रैक हो गया है दोस्तों। और ये सैटेलाइट का सारा चैनल देखने के लिए आप लोगों को कम से कम 8 फीट डिश चाहिए, क्योंकि 4 फीट या 6 फीट डिश पे सब चैनल नहीं आता है दोस्तों। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इस TP पे सिग्नल आ चुके हैं 83% सिग्नल। अभी एस्टर सर्च को ब्लाइंड कर देता हूँ और रिमोट का ओके बटन प्रेस करके FTO ओनली को नो, TV रेडियो को ऑल कर देता हूँ और रिमोट का ओके बटन प्रेस करके इसको सर्च कर देता हूँ। देखो दोस्तों, सर्च होना शुरू हो गया है। सर्च होने के बाद पता चल जाएगा कितने चैलेंज अभी हम लोगों को 6 फीट डिश में मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर इंडिया का ईस्ट साइड पे रहते हो तो वहाँ पे इस सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए कम से कम 6 फीट डिश चाहिए, तब जाके इस सैटेलाइट को आप लोग ट्रैक कर पाओगे। और ईस्ट साइड को छोड़ के सारा एरिया में इंडिया का 4 फीट डिश में सैटेलाइट आसानी से ट्रैक हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने बीच पे वीडियो को स्किप कर दिया। और जो पूरा चैनल स्कैन हो रहा है MPG 4 सेट टॉप बॉक्स में, अगर आपके पास MPG 2 सेट टॉप बॉक्स है तो आपका सेट टॉप बॉक्स में कम चैनल देखने को मिलेगा, MPG 4 सेट टॉप बॉक्स में ज़्यादा चैनल देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, टोटल 119 चैनल सर्च कंप्लीट होने के बाद मिला है। तो रिमोट का ओके बटन प्रेस करके सारा चैनल सेव कर देता हूँ। तो एक एक करके चैनल आप लोगों को मैं चला कर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। फैशन TV है, इसका TP भी आप लोग नोट कर सकते हो 3781 हॉरिजॉन्टल 30000। इस सैटेलाइट पे आप लोगों को बांग्लादेश का बंगाली मूवी चैनल और इंग्लिश कार्टून और मूवी चैनल भी देखने को मिल जाएगा। मुन्ना राव TV है ये,
इसका टीपी भी आप लोग नोट कर सकते हो। ये माइटी भी इसका टीपी देख लीजिए। ये आठ टीवी, एकहत्तर टीवी, कांतिपुर एचडी, बांग्ला भीषण, बांग्ला टीवी, इसका सिग्नल 77% आ रहा है। यहाँ पे बंगाली मूवी आता है, एक चैनल आई एचडी, एक गान बांग्ला एचडी, मोहना टीवी, एटीएन न्यूज, 81% सिग्नल मिल रहा है दोस्तों। इस टीपी को भी आप लोग नोट कर सकते हो। एटीएन बांग्ला चैनल 24, आनंद टीवी चैनल एस, जयजात्रा टीवी, टेलीफिल्म सिने बांग्ला चैनल 9B। इस चैनल पे आप लोगों को आईपीएल देखने को मिल जाएगा। टीवी इंडिपेंडेंट टीवी, माधानी टीवी बांग्ला, इसके बाद यहाँ पे भी और भी बहुत सारा चैनल मिल जाएगा जो पावर भी में और 20 की में चलता है दोस्तों। एक्शन का चैनल भी यहाँ पे मिल जाता है, एक्शन एचडी, सोनी का चैनल भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखो इसका टीपी भी नोट कर सकते हो आप लोग। एनिमैक्स का चैनल भी मिल जाएगा, डिज्नी का चैनल भी मिल जाएगा जिसका टीपी आप लोग नोट कर सकते हो, नीचे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को एनटीवी, जमुना टीवी और गाजी टीवी भी मिल जाएगा। और इस गाजी टीवी चैनल पे आप लोगों को आईपीएल भी देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड, ऐसा करते हुए आज का वीडियो अच्छा लगा, सो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सदस्यों की रहे, थैंक यू।